नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम आपके साथ कुछ बात करने वाले हैं। अब ये बात मेरी एक्सेल से रिलेटेड नहीं है, मेरे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, मौजूदा हालात से रिलेटेड है। कल से लॉकडाउन है, संडे को तो था हमारा जनता कर्फ्यू था, लेकिन कल से लॉकडाउन था और कई शहरों में तो आज कर्फ्यू लग गया है। प्रशासन को इतना सख्ती क्यों लेना पड़ रहा है? सरकार कोई हमसे टैक्स वसूली या फिर हम भी कोई कानून लादमा थोड़ी चाह रही है। सीए था तो चलो, सीए के खिलाफ में कर्फ्यू और धारा 44 लगा, दंगे थे उस समय लगे, तो ये माना जा सकता है कि हाँ सरकार अपनी नीति को या फिर इसको हम पे डालना चाहती है फोर्सली, तो इसलिए कर रही है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है वो तो सरकार हमारे लिए कर रही है। अब कुछ लोग ने ऐसे बोला कि यार 400 लोग तो बीमार हैं और 7 लोग तो मरे, यार इससे ज़्यादा तो एक बस एक्सीडेंट में मर जाते हैं, एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो हजारों लोग घायल हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? अभी स्थिति गंभीर नहीं है यार इंडिया में, लेकिन ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ ये लेके आए हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंडिया में है कि नहीं। तो मैंने गूगल पे से जनरली सर्च किया, हो सकता है रिजल्ट गलत हो, लेकिन इसके आसपास तो हो सकता है। तकरीबन 19,000 या 35,000 टोटल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 4 से 6 लाख लोगों का बेड है और जिसमें से कुछ बेड्स हमारे वीआईपी के लिए रिजर्व है, और रूरल एरिया में ये सिर्फ 2 लाख बेड्स हैं और अर्बन एरिया में 4 लाख बेड्स हैं, 4,32,000 बेड्स हैं। तो 10 तारीख को अगर आप हिस्ट्री देखिए तो 10 तारीख को पहला केस हुआ था, सॉरी 10 तारीख को पहला केस नहीं, 10 तारीख को टोटल 50 केसेस थे इंडिया के अंदर, और आज जो मैं सुबह न्यूज देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग 460 केसेस थे। तो 10 तारीख और आज के डेट में कितने हैं? 24। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो ये हमारा मतलब कि अगले 14 दिन में 410 केसेस बढ़ गए। अब इमेजिन कीजिए कि हम लॉकडाउन नहीं करते हैं तो हम ये लगाते हैं कि कितना, माने कि 410 मतलब कि 41 केसेस पर डे फाइंड हो रहे हैं एवरेज, हम इसकी एनालिसिस करते हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि हमारा काम एनालिसिस करने का है। तो अगर मान लीजिए एक दिन में 41 केसेस है और ये 41 केसेस में से मान लीजिए कि लॉकडाउन नहीं हुआ और इसमें से हम समझ रहे हैं, हालांकि संख्या ज्यादा है लेकिन हम आधे समझ लेते हैं, आधे लोगों ने इसकी प्रिस्कॉप्शन पे ध्यान नहीं दिया 20, तो अगले दिन क्या हो जाएगा? 20 जो है मल्टीप्लाई बाई 20, एक को इंफेक्टेड किया तो 400 हो जाएगा। अब इन 400 लोगों में 200 लोग मान लीजिए 200 लोगों ने रूल का नहीं इसको सीरियसली लिया, तो 200 लोगों अगले एक ही इन्फेक्शन ऐसे तो 2 से ज्यादा हो सकता है, तो अगले जो है हमारा ये हमारा 40,000 लोगों को इन्फेक्टेड कर देंगे। फिर ये 40,000 में से मान लीजिए कि 20,000 लोग सीरियस नहीं रहे, 20,000 लोगों ने सीरियस किया, इस 20,000 लोगों ने अगले दिन 20,000 लोगों को इन्फेक्टेड कर देंगे 4 लाख। अभी इसमें से मान लीजिए आधा, मैं सिर्फ आधे लोगों को, मैं आधा लोगों को सही समझता हूं और उसको डिवाइड कर दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवें दिन में क्या हालत है, आप सीक्वेंस समझ पा रहे होंगे। पांचवें दिन में इतनी हालत है कि इंडिया का हर एक हॉस्पिटल फुल होगा क्योंकि 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो अगर हम इस संख्या को 11,000 से डिवाइड भी करें तो हमें इतने डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी, जी हाँ इतने डॉक्टरों की, और इतने डॉक्टरों की अभी भर्ती होना मुश्किल है।
अब हो सकता है कि आपको तो संख्या समझ में नहीं आई, समझ जाइए कि अगर एक इन्फेक्टेड हुआ तो अगले वो दो को इन्फेक्टेड करेगा, तो टोटल इन्फेक्टेड कितने हो गए? तीन हो गए। अब ये दो जो है अगले दो को इन्फेक्टेड करेंगे, अगला दो फिर अगले दो को इन्फेक्टेड करेगा, तो अगर ये चैन को तोड़ा नहीं गया तो क्या होगा? चैन को तोड़ा नहीं दिया हो गया तो क्या होगा कि पूरी इंडिया में हाहाकार बन जाएगा, अब पूरा इंडिया बर्बाद हो जाएगा। और अब उस समय सरकार अगर मिलिट्री भी लागू कर दे, हर एक बंदे को शूट भी कर दे, फिर भी कोरोना वायरस पे कंट्रोल नहीं होगा। चाइना ने कंट्रोल कर लिया, चाइना में अब पिछले दो दिनों से कोई ऐसे केसेस, नए केसेस नहीं आए। क्यों? उसने वुहान सिटी को लॉकडाउन कर दिया, वुहान सिटी से न किसी को आने दिया न किसी को जाने दिया, तो वायरस क्या हुआ कि वुहान सिटी के अंदर में ही रह गया, बाहर नहीं निकला। और बाहर ना निकला इसके कारण क्या हुआ, बाहर कुछ जो निकल गए उसको पकड़ पकड़ के जहां तहां लॉक कर दिया गया, तो लॉक्ड रहा, तो खैर तो वायरस से वो इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए या मर गए, तो इन्फेक्शन उन्हीं के साथ खत्म हो गया, अगले संख्या को बढ़ाया नहीं। तो मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं 50,000 लोगों को सब्सक्राइबर को बता चुका, क्योंकि मेरे जो 50,000 सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 54,000 स्टूडेंट है और मुझे टीचर मानते हैं और मेरी बात को वो 10% भी सीरियस लेंगे, तो मैं पूरे सिटी को, पूरे सिटी अपने भारत को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग जब सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरी बात क्या सुनेंगे। मैं सिर्फ आप जो हमारे 52,000 सब्सक्राइबर हैं उनसे बात कर रहे हैं कि प्लीज आप जो है इस लॉकडाउन का पालन करें, और अपने फैमिली को भी फोर्सली रिक्वेस्ट करने पर, अगर मान लीजिए आपके ब्रदर है, आपके अंकल है, आपके डैड है, ग्रैंडपा है, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको बोलिए नहीं मत जाइए। सब्जी लाने जाना है आपको तो एक दिन घर के अंदर दाल है, सोयाबीन है, ये चीजें खा के हम गुजारा कर सकते हैं। जी हाँ, घर में इतनी सब्जियां हम बना सकते हैं, मेरी वाइफ ने भी आज दाल की सब्जी बनाई है, हम सब्जी लाने के लिए मना कर दिए क्योंकि पता चला कि सब्जी वाले के बेटा बाहर से आया, वो इन्फेक्टेड है और उसको गवर्नमेंट के जो हेल्थ वाले डॉक्टर थे उनको उठा के ले गया। हमने मना किया नहीं, सब्जी वाला जो आता है वो सब्जी नहीं लेना है, दाल की सब्जी खाओ, दाल रोटी खाएंगे आराम से, दाल रोटी खाएंगे, दाल घर में इतना है कि 15-20 दिन चल सकता है, चटनी खा लेंगे, सोयाबीन है सोयाबीन खा लेंगे, दाल की सब्जी पीस के बना लो उसकी सब्जी खा लेंगे, चावल दाल खा लेंगे, तो हम रह सकते हैं। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर घर से ना निकले, और मेरी जो एनालिसिस है उस एनालिसिस को आप जो है सीरियस लें। ये एनालिसिस मैंने नहीं बता रहा है, ये इसका बता रहा है, और हम इसमें बहुत मार्जिन छोड़ के चले हैं, फिर भी 10 दिनों या 20 दिनों में इतना फैल जाएगा कि कंट्रोल, तो आर्मी को शूट भी करेगा ना फिर भी कंट्रोल नहीं होगा, भाई इन्फेक्टेड है शूट कर दो, नहीं फिर भी ये नहीं रुकने वाला है। आपने जॉम्बी मूवी देखी होगी, आपने रेजिडेंस एविल देखा होगा, सेम उसी हालात हो जाएंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे सारे के सारे लोग मेरी इस बात को मानेंगे और घर में बैठेंगे, और मैं इसके लिए उनका आभारी रहूंगा, बिल्कुल आभारी रहूंगा। और आगे आप जानते हैं कि एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए हम आपके लिए आपके साथ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो कि घर से लेना है, बाहर कहीं जाना नहीं है, और घर से अगर काम कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करें, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आसानी से कॉल कर सकते हैं। और जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, प्लीज थैंक यू। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और अपनों का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।